हेलो गाइस आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टोरी सर्कल ये जो वीडियो है मी एंड इकोलॉजी बिट का ये पार्ट टू वीडियो है इसका पार्ट वन पहले ही अपलोड किया जा चुका है ठीक है अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन आप पहले देख लें ठीक है पार्ट वन में हमने क्या बात किया उसके बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ पार्ट वन में हमने क्या देखा था कि जो हमारे राइटर हैं जॉन लेक्सू वो क्या करते हैं गार्बेज को कचरे को कलेक्ट करने का काम करते हैं ठीक है ना और वो जाते हैं किसके पास मिस्टर विलियम्स के पास और वो देखते हैं क्या कि मिस्टर विलियम्स अपने घर के बैकयार्ड में क्या करते हैं पत्तियों को जला रहे होते हैं ठीक है जब वो आ, हमारे राइटर जॉन लेक्सू देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मिस्टर विलियम्स आप एक काम कीजिए इन पत्तियों को जलाइए मत ठीक है इनका आप क्या कर लीजिए इनका कंपोस्ट बना लीजिए तो मिस्टर विलियम्स रिप्लाई करके कह रहे हैं यारे देखो ये जो कंपोस्ट बनाना ये काम है ना ये तुम ही करना ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो तुम कंपोस्ट बनाते हो वो काफ़ी गंदा स्मेल करता है और पूरे गली को पूरे सड़क एकदम अच्छी महका कर रख देता है ना तो ये काम तुम ही करना उसके बाद से हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो पार्ट वन को पहले आप ज़रूर देख लेना ठीक है और एक और बात मैं बताना बता देना चाहता हूँ आप इस वीडियो को 1.5 पॉइंट फाइव या दोगुना स्पीड से भी देख सकते हो ठीक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा नॉर्मल स्पीड से देखोगे तो ठीक ही है लेकिन इसको डबल स्पीड से कर दोगे तो थोड़ा सा समय भी बचेगा और मजा भी आएगा ठीक है तो चलो इसको हम लोग एकदम बिहारी अंदाज में इसे कंप्लीट करते हैं माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन अब यहाँ पे हमारे राइटर कह रहे हैं कि जो मिस्टर विलियम्स ने मुझे बात बताई थी जो बोला था कि तुम्हारा कंपोस्ट पूरा गली गया एकदम महका देता है उससे मेरे फीलिंग को मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची लेकिन उनकी बात ने मुझे इकोलॉजी के लिए काम करने से नहीं रोका आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन अब यहाँ पे ये कहते हैं कि मिस्टर विलियम्स के बाद मैं किनके के यहाँ गया मिस ग्रीन के यहाँ गया कचरे को कलेक्ट करने के लिए आई हैव टू कॉल आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज सी सेज सी डजेंट हैव चेंज टू पे मी अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मुझे जो है ना मिसेज ग्रीन को मिस ग्रीन बुलाना पड़ता था क्योंकि जब भी मैं उन्हें मिसेज़ बोलता था तो वो कहती हैं कि मेरे पास छट्टे नहीं हैं तुम्हें पे करने के लिए अब भाई किसी भी औरत को जो है ना आप थोड़ा सा ओल्डर बताओगे उसकी उम्र को ज़्यादा बताओगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है सब लोग चाहती है कि वो सब चाहती हैं कि वो हमेशा के लिए जवान ही रहे यंग ही रहे आए समझ में तो यहाँ पे मिस ग्रीन का भी सोच वैसा ही है वो कहती है कि मुझे मिसेज मत बुलाओ मुझे क्या बुलाओ मिस बुलाओ तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे उन्हें मिस ही बुलाना पड़ता था मसेज बुलाता था तो मुझे फिर पैसे नहीं मिलते थे ठीक है इज़ पुटिंग हर गार्वेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे अब यहाँ पे कह रहा है कि मैंने देखा कि वो अपने गारबेज को है ना वीकली पिकअप को के लिए बाहर रख रही थी अब क्या था कि मिसेज मिस ग्रीन के जो गार्बेज हुआ करते थे वो मंडे को उठाए जाते थे तो वो अपने गारबेज को बाहर रख रह रही थी सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट दिग प्लास्टिक गारबेज बैग्स ऑन हर लॉन्च अब यहाँ पे कह रहा है कि uh, मिस्क्रीन जो थी वो वीकेंड्स पे कहाँ जाती थी बाहर जाती थी घूमने फिरने टहलने के लिए मौज मस्ती के लिए ठीक है सैटरडेज़ और संडेज को अब देखो सप्ताह में जो सैटरडे और संडे जो आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं वीकेंड कह के भी बुलाते हैं तो उस दिन हमें क्या होता था उनके लॉन में उनके यार्ड में बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स देखने को मिलते थे बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स में गारबेजेस हम लोगों को देखने को मिलते थे बट आई डोंट से गार्बेज अब भाई हमारे ऑर्डर कह रहे हैं कि मैं देख मैं कर भी कह सकता था मैं सिर्फ इन गारबेजेस को देखता था फिर उन्हें कलेक्ट करने के काम करता था सी सेज टू मी गो अपट गम रैपर यू थ्री ऑन माई लॉन अब यहाँ पे मिस uh, ग्रीन ने मुझे क्या कहा कि जाओ और उस गम रैपर को उठाओ जो तुमने मेरे लॉन में फेंका है अब देखो रैपर कहने का मतलब आपने चॉकलेट खाया है तो चॉकलेट का जो प्लास्टिक वाला जो पार्ट होता है जो आप चॉकलेट खाते हो प्लास्टिक को फेंक देते हो वही रैपर होता है रैपर कहने का मतलब जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से ढका हुआ होता है ना तो वो कहती है कि जाओ और उस रैपर को उठाओ वहाँ से और उसको हटाओ वहाँ से जो तुमने मेरे आ, किस में फेंका है मेरे लॉन में फेंका है वो टीट इंग वन ऑफ प्लास्टिक बैग्स डोंट डिट इनिबॉडी टीच यू नॉट टू लेटर कहती हैं कि उसको उठाओ रैपर को और प्लास्टिक के एक बैग्स में उसे डालो क्या तुमने क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है कि कचरा नहीं फैलाया जाता है लेटर का मतलब क्या होता है गंदगी फैलाना तो यहाँ पे मिस ग्रीन कहती हैं कि क्या तुम्हें किसी ने ये बात नहीं सिखाई है कि तुम्हें कचरा नहीं फैलाना चाहिए आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिकअपाई गम रैपर एंड बैग अब ये बात सुनकर जो है ना ऑर्डर एक तो को एकदम काफी गुस्सा आ जाता है ना वो बोलते हैं कि मैंने अपने गुस्से को एकदम तो काबू एक तो करते हुए कहा काबू करते हुए उस रैपर को उठाया और उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया अब भाई ये कभी क्या सकते थे है ना देन ही सेज सॉरी सेज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉक्स ऑन अ लेस और फिर आगे मिस गहती है कि सुनो एक बात इस शहर में एक कानून है कि तुम्हें अपने कुत्ते को हमेशा फित्ता फित्ते से बांध कर रखना चाहिए आए समझ में यहाँ पे लेश कहने का मतलब होगा फित्ता है ना रस्सी से बांध कर रखना चाहिए सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस और तु, जो तुम्हारा कुत्ता है वो हमेशा हर जगह क्यों भटकता फिरता है हा? जो तुम बांध कर क्यों नहीं रखते हो दैट डॉग डिग्स ऑफ माई गार्डन एंड मेसेज ऑफ माई यार्ड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सो एटी ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स वो क्या करता है मेरे लॉन में मेरे गार्डन में आता है वहां पे खड्डा खोद देता है मेरे uh, यार्ड को बर्बाद कर देता है वहाँ पे कचरा फैला देता है और पिछले सप्ताह तो मिस्टर विलियम ने देखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरे गार्बेज बैग को एकदम फाड़ दिया था उसे चीड़ दिया था ना तो तुम उसे बांध कर क्यों नहीं रखते हो वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनी टू गो विद इट अब यहाँ पे राइटर सोचते हैं कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूं लेकिन इनके मन में कोई बात नहीं आती ये रह जाते है Then I see, newspapers next to her garbage bags. हमारे राइटर जॉन लेक्सू ने क्या देखा कि वो क्या कर रही थी मिस ग्रीन न्यूज पेपर्स के कचरे को क्या कर रही थी एक जगह पाइल कर रही थी एक जगह ढेर बना के उसे रख रह रही थी लिसन मिस ग्रीन आई सी सेव दोज़ पेपर्स फॉर दूल पिकअप एंड दे कैन बी एंड दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर सेव एलमोनियम कैंस टू अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर ने कहा कि इसे मिस ग्रीन से कहा अब देखो मैंने आई जो है ना ऑर्डर के लिए आया है तो जब भी मैं बोलूँगा मैंने मतलब मैं ऑर्डर ने ठीक है तो मैंने ये मिस ग्रीन से कहा कि आप जो है ना उन पेपर्स को स्कूल पिकअप्स के लिए रख दीजिए उन पेपर को आप रख दीजिए स्कूल वाले आएंगे उसको उठा कर ले जाएंगे और फिर उससे वे लोग उसका नया पेपर फिर से बना सकते हैं जिसपे बच्चे पढ़ सकते हैं और उन अल्मोनियम कैंस को भी आप सेव करके रखिए कैंस का मतलब यहाँ पे डिब्बा होगा आपने देखा होगा स्प्राइट और कोका कोला को, कोका कोला का अलमोनीम कैंस आता है जो आपने पिया भी होगा अब यहाँ पे मिस ग्रीन क्या कहती हैं लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क अच्छा तो पिछली बार की तरह है ना वेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक अप बट यू नेवर शोड लेकिन क्या हुआ तुमने कहा था कि पिछली बार तुम आओगे और इन पेपर्स को उठा कर ले जाओगे लेकिन तुम आए नहीं तुमने कहा था तुम आओगे लेकिन तुम आए नहीं है ना तो यहाँ पे तुमने कहा था कि तुम इन पेपर्स को उठा कर ले जाओगे लेकिन तुम आए नहीं इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम दैन हैव अग मैसअप लाइक दैट मिस ग्रीन कहती है कि ये मेरे लिए काफ़ी आसान है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्हें कहीं फेंक दूँ है ना ना कि इन्हें एक बड़ा सा ढेर बना के अपने पूरे यार्ड को मैस कर दूँ उसे गंदा कर दूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके फेंक ही दूँ है ना आई गेट आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू इकोलॉजी अब यहाँ पे हमारे राइटर कहते हैं कि मैं कोशिश कर करके थक गया कि मिस ग्रीन जो है ना इकोलॉजी के बारे में पर्यावरण के बारे में हमारी इन्वायरमेंट के बारे में कुछ करें है ना आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया फिर मैं कहा गया मिस्टर जॉनसन पहले मिस्टर विलियम्स के यहाँ फिर मिस ग्रीन के यहाँ और ये तीसरी बार किसके यहाँ जा रहे हैं मिस्टर जॉनसन के घर ही मेक्स अ रन फॉर हीज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन अब वो कहाँ जा रहे थे है ना अपनी कार की तरफ जा रहे थे लेकिन मैं उनसे तेज़ दौड़ते हुए चला गया अब देखो वहां पे ये जाकर मिस्टर मिस जॉनसन से क्या कहता है जस्ट ट्राइंग टू गेट जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज एंड एंड देखो सेफिंग का मतलब क्या होता है हाफते हुए है ना तो यहां पे uh, हाफते हुए कौन कहते हैं मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि अरे देखो मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ इससे पहले कि वो बंद हो जाए तो मुझे कार से जाना होगा है ना अब हमारे राइटर क्या कहते हैं You have got time, I say. अब राइटर अरे आपके पास तो अभी बहुत समय है ना? आपके पास अभी बहुत समय है यू इवन गोट टाइम टू वॉक यहाँ तक कि आपके पास इतना समय है कि आप पैदल चल के भी जा सकते हो पे? पोस्ट में. तो फिर आप कार से क्यों जा रहे हो है ना इट्स ओनली टू ब्लॉक अरे जो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है तो सिर्फ दो ब्लॉक दूर है तो इतना दूर कार से कहा है जाओगे है ना यू शुड यू शुड नॉट टेक यूर कार वेन यू डोट नीड टू कि जब तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो तुम अपनी कार को ले ही क्यों जाते हो? तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए है ना हमारे राइटर बोल रहे किस से मिस्टर जॉनसन से द वॉक गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस कि इससे क्या होगा जब तुम पैदल चल के जाओगे तो तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा तुम्हारा गैसवा भी बच जाएगा तो दोनों काम हो जाएगा एंड नॉट पोलूट और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो तुम्हारे कार से जो निकलने वाली धुआं है ना ये इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेगी जब तुम कार ही नहीं चलाओगे दैट्स इकोलॉजी और यही क्या है यही इकोलॉजी है यही पर्यावरण है दे श्योर आर आई से दे श्योर आर आई से मैंने कहा कि हाँ यही सारी चीजें क्या है इकोलॉजी है वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट अब यहाँ पे हमारे राइटर क्या बोलते हैं कि हमने ट्रीज़ के बारे में और इकोलॉजी के बारे में अपने स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई की है और हमने ये जाना है ये क्या करते हैं जो ट्रीज़ जो हैं और ये जो इकोलॉजी है हमारे एयर को और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा रखते हैं है न सी दैट ट्री ओवर देयर ही सेज़ पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज इन एनी ट्री यहाँ पे मिस्टर जॉनसन एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उसे देखो उस पेड़ कर उस पेड़ को देखो लेकिन जब हमारे राइटर उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होता है तो राइटर क्या कहते हैं आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल टेलिंग मैंने उनसे कहा अरे मुझे तो वहाँ पे कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है ऑफकोर्स नॉट ही सेज अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिस्टर जॉनसन कहते हैं बिल्कुल वहाँ पर कोई ट्री नहीं है एंड नो ग्रास इधर और वहाँ पर कोई घास भी नहीं है बिकॉज यू मेड अ पाथ दे आर टेकिंग अटक फ्राम मिसेज ग्रीन क्योंकि जो तुम वहाँ से मिसिस ग्रीन के यहाँ से आने जाने के लिए जो तुम शॉर्टकट जो रास्ता लेते हो है ना उसके वजह से वहाँ पे एक रास्ता बन गया है और वहाँ पे कोई घास नहीं है इसीलिए तुमने वहाँ के सारे घास को कुचल दिया है देर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देअर अनटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जम्प ओवर इट एवरी डे रिमेम्बर अब यहाँ पे मिस्टर जॉनसन कह रहे हैं कि देखो जब तुम शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हो तो वहाँ पे क्या होता था एक छोटा सा पेड़ था जो अभी बड़ा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुमने हमेशा उसके ऊपर अपने पैर रख दिए और उसको तुमने कुचल दिया तुम्हें याद है ओह ऐसे हाँ मुझे याद है एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग वैन यू कैन वॉक और फिर मिस्टर जॉनसन कहते हैं और तुम फिर मुझे कहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए मतलब पैदल चलना चाहिए और गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए है ना तो यहाँ पे ये मिस्टर जॉनसन कह रहे हैं कि देखो तुम कितने लापरवाह हो और तुम दूसरे को उपदेश झाड़ते चले जा रहे हो कि ये करो ये मत करो देखो तुम क्या कर रहे हो यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर और यहाँ पर मिस्टर जॉनसन और आगे कहते हैं कि अच्छा और तुम्हें बताऊँ तुम क्या करते हो पूरे समर पूरे गर्मी के दिन में अपने बैक यार्ड में हमेशा अपने मोटर बाइक को चलाते रहते हो क्या ये पॉल्यूसन नहीं है है ना एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर और तुम अपने जो बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी हो इसको हमेशा चलाते रहते हो विंटर सीजन में इज़ इन दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज़ पॉल्यूशन टू को तो क्या जो आ, क्या जो ये सारी काम तुम करते हो ये कोई पावर का वेस्ट नहीं है गैस का पेट्रोल का वेस्ट नहीं है और ये नॉइज़ पॉल्यूसन नहीं है और तुम मुझे आकर लेक्चर दे रहे हो बट इट्स फन आई से अब यहाँ पे ऑर्डर कह रहे हैं हमारे राइटर कह रहे हैं कि अरे ये तो मेरे लिए मज़े जैसा है मैं तो मज़ा करता हूँ अब देखो यहाँ पे भाई है ना राइटर दूसरों को कह रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो और ये अपना पूरा एकदम मज़ा ले रहे हैं वेल आई इंजॉय टेकिंग द कार्ड टू द पोस्ट ऑफिस इज अब यहाँ पे मिस्टर जॉनसन कहते हैं जब तुम्हें अपने लॉन में समर में मोटरबाइक्स को चलाना विंटर में स्नो मोबाइल को चलाना अच्छा लगता है मज़ा आता है तो मुझे भी पोस्ट ऑफिस कार से जाने में बड़ा ही एंजॉय आता है बड़ा ही मज़ा आता है बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट लेकिन इस बार तुमने मुझे क्या कर दिया है बहुत ही लेट कर दिया है ही गोज़ इन दाउस लुकिंग वेरी मैड और ये कहते हुए वो काफ़ी गुस्से में अपने घर में चले जाते हैं मतलब वो ऑफिस पोस्ट ऑफिस आज नहीं जाते हैं देन आई रिमेंबर ही हैज़ एन पेड मी तभी हमारे ऑर्डर कहते हैं कि मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं कचरे को कलेक्ट करने का बट आई डिसाइडेड टू वेट ऑन टिल नेक्स्ट सैटरडे लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि अगले सैटरडे तक मैं वेट करूँगा पैसे का एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट दिस पॉल्यूट हिज कार फॉर वंस अब यहाँ पे ऑर्डर अपने मन में ही खुश हैं कि चलो एक बार के लिए तो मैंने उनको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से बचा लिया क्योंकि उन्होंने कार यूज़ नहीं किया आई डोंट टू द रेस्ट आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट अब यहाँ पे उदय कह रहे हैं कि मैं बाकी रास्ते जो हूँ ना अब इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि इकोलॉजी के लिए काम करना काफ़ी बोरिंग है न जो परिस्थिति की तंत्र है इसके लिए काम करना काफ़ी बोरिंग है बट वेन आई गोट बट वेन आई गेट होम लेकिन जब मैं कहाँ पहुँचा घर पे पहुंचा आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर मैंने देखा कि मेरी मॉम क्या कर रही थी इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही थी अब देखो ऑर्डर यहाँ पे क्या कहते हैं यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर ऑदर कहते हैं कि तुम्हें जो है ना मॉम से कहते हैं कि अरे मॉम आपको जो है ना ये मिक्सर यूज़ नहीं करना चाहिए वो जो एक बीटर है जिससे अंडे को मिलाया जाता है उसको यूज़ कर लिया कर लेना चाहिए आई पॉइंट आउट टू हर मैंने उनको एक बीटर की तरफ इशारा करते हुए बताया सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स कि मैंने कहा अरे मॉम आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली को बचाओ और फिर मैंने कहा कि जो महिलाएं होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक सामान यूज़ करती हैं अच्छा अब देखो उसकी मोम क्या कहती है ऑदर की सी सेज़ इन अ वेरी कोल्ड वॉय काफ़ी गुस्से में कहती है उसकी मोम सो हुई ट्वेंटी सेवन आवर्स अ डे अराउंड कि अरे बेटा मुझे बताओ कि यहाँ में दिन में सत्ताईस घंटे कौन टी वी देखता है दिन में होते हैं चौबीस घंटे लेकिन तुम तो सत्ताईस घंटे टी वी देखते हो uh, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो तुम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो टी वी देखने में लिए देखने के लिए क्या वो दूसरे तरह का इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या कोई पावर वेस्टेज नहीं होता बेटा है ना सी वॉट आई मीन अब यहाँ पे उधर कहते हैं देखो बेटा देखो मॉम मैं क्या कहना चाहता हूँ नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इकोलॉजी कोई भी जो है ना इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट मी सिर्फ मैं ही करता हूँ इकोलॉजी के बारे में अरे ये क्या करता है यार सिर्फ दूसरों को उपदेश दे रहा है एंड नो बडी लेसन टू मी और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है तो so यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया दी एंड मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ठीक है बाय